नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लद्दाख में राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर चीन ने हमारी सेना पर कब्जा किया हुआ है। राहुल गांधी की तरफ से यह बयान सामने आया है। पैंगोंग पहुंचे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है, लद्दाख के लोग खुश नहीं है, ऐसा राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लद्दाख के दौरे पर हैं राहुल गांधी। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख पहुंचकर बड़ा बयान दिया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लद्दाख के लोगों ने मुझे बताया है कि यहां चीन की सेना घुसी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पैंगोंग पहुंचे राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को भी घेरा है, और साथ ही लद्दाख के लोग खुश नहीं है, ये राहुल गांधी की तरफ से गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर है, जहां पर उनका बड़ा बयान सामने आया है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जो ग्रेजिंग लैंड होती थी यहां अब नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही लद्दाख में ये सब कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि एक इंच जमीन नहीं गई है, लेकिन सच नहीं है ये, यहां पर किसी से भी पूछ लीजिए, ये आपको जरूर बताएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख के लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं, वे उस दर्जे से खुश नहीं है जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरीके के बयान देते हैं। और एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, राहुल गांधी लद्दाख के दौरे पर, और इस दौरान उन्होंने चीन सीमा को लेकर भी बड़ा बयान दिया, और साथ ही कहा कि जो वहां के नागरिक हैं वो इस चीज से खुश नहीं है। जी बिल्कुल पंकज, यदि बात करें राहुल गांधी एक सप्ताह के लद्दाख दौरे पर हैं, और इस दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी संसद से लेकर सड़क तक हर जगह कहते हैं कि चीन ने एक इंच भी जमीन नहीं कब्जाई है। और हकीकत यह है कि लद्दाख के लोग बता रहे हैं चीन की सेना अंदर तक घुस चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो लद्दाख के लोकल लोग हैं, जो भेड़ बकरियां पालते हैं, जिस ग्रेजिंग लैंड यानी जो उन घास वगैरह चराने के लिए जो वो ले जाते थे अपने मवेशियों को, वहां तक भी वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि चीन की सेना वहां तक घुस चुकी है। तो एक विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया है। हो सकता है अब उस पर सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से उनको घेरा जाए। तो अभी कोई जो टिप्पणी है दूसरे नेताओं की इस पर अभी नहीं आई है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी, और जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी इस पर टिप्पणियां आनी है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से ये एक विवादित बयान है जो उन्होंने दिया है। बिल्कुल नागेंद्र, क्योंकि एलएसी को लेकर तमाम बयान केंद्र सरकार की तरफ से भी आते रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि सीमा पर अब जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ाई गई है, वहां पर एक इंच जमीन भी जाना देश के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक वाली बात है, और उसको लेकर लगातार वहां पर सैनिक तैनात रहते हैं, लगातार वहां पर सबकी निगाहें बनी रहती है। ऐसे में राहुल गांधी का बयान इस तरीके से सामने आना कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने लद्दाख और चीन सीमा को लेकर पहली बार कोई इस तरह की बात की है। पहले भी उन्होंने सवाल उठे थे और इस पर हंगामा संसद के अंदर हुआ था, और ये संसद के रिकॉर्ड में है कि खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों के तरफ से ये कहा गया था कि एक इंच जमीन पर भी चीन की सेना का या चीन का कोई कब्जा नहीं है। और यहाँ तक कि 1962 का जो चीन और भारत का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो जमीन हमारी चाइना के कब्जे में गई थी, उस पर भी सवाल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से उठाए गए थे कि अब उस तरह की सरकार भारत में नहीं है कि जो अपनी जमीन को दूसरों को दे देगी, अब हम किसी तरह से कमजोर नहीं है। तो ये संसद के पटल पर है, संसद के रिकॉर्ड में है कि सरकार की तरफ से पहले भी इस पर सफाई दी गई थी कि एक इंच जमीन भी चाइना या किसी के कब्जे में नहीं है। बिल्कुल, तो नागेंद्र, हमेशा से देखा जहां भी राहुल गांधी गए हों, चाहे देश के बाहर गए हों या देश के अंदर किसी भी राज्य में गए हों, उनकी तरफ से ऐसे विवादित बयान सामने आते हैं जिसके बाद सियासत गर्मा जाती है।
जी बिल्कुल, देखिए यदि उनके पहले किसी भी दौरे की बात की जाए, हर जगह उनके जो दौरे हैं और उस दौरान दिए गए बयानों पर हमेशा से विवाद हुआ है, और अब एक सप्ताह के लद्दाख दौरे पर जब वो गई हैं तो उसमें भी उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है कि भारतीय जो सियासत है वो एकदम गर्मा जाएगी। और सरकार की यदि बात करें तो बीजेपी की बात करें, क्योंकि अभी 2024 में चुनाव होने हैं तो उनको बैठे बिठाए ये एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि अब इस मुद्दे पर चाहे आर्मी चीफ हों उनकी तरफ से बयान आएगा या फिर खुद पीएम की तरफ से बयान आएगा, गृहमंत्री की तरफ से बयान आएगा, और जो तमाम नेता हैं बीजेपी या विपक्षी उनकी तरफ से बयान आएगा। तो ये बीजेपी को एक बैठा बैठा मुद्दा जो है वो राहुल गांधी ने अपने बिल्कुल, क्योंकि नागेंद्र स्थानीय मुद्दे अगर राहुल गांधी उठाते हैं तो वहां पर जाहिर सी बात है कि जो बयान आते हैं वो इतने मायने नहीं रखते, लेकिन जब बात देश की सीमा की आती है तो उस दौरान सीधी सी बात है हर एक पर ही निशाना साधते नजर आते हैं। केंद्र सरकार पर ही नहीं, यहाँ पर सेना की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ जाते हैं। जी बिल्कुल, और संभावना यह है कि अब विपक्षी जो दल हैं उनकी तरफ से ये कहा जाए या ये सवाल उठाया जाए कि सरकार एक प्रतिनिधि मंडल तैयार करे जिसमें कि विपक्ष के भी लोग हों और वो वहां सीमा पर जाएं दौरा करने के लिए और वो एक्चुअल जो पोजीशन है, स्थिति है, वो वहां पर देखे, क्योंकि इस तरह के जो राय है वो विपक्ष की तरफ से पहले भी दी गई थी, और उम्मीद है कि राहुल गांधी के ताजा बयान के बाद भी विपक्ष की तरफ से इस तरह की बातें रखी जाए। तो लबोलुआब यही है कि ताजे बयान की वजह से एक बार फिर जो भारतीय राजनीति है, सियासत है, वो गर्मा गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। रुक करते एक और बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आई जहां पर एनएचएम कार्यालय में जींस और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर जींस टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे अधिकारी और कर्मचारी। एनएचएम मिशन निदेशक पिंकी जोबल ने जारी किए हैं निर्देश, ड्रेस कोड पर सख्ती से पालन करने के दिए गए हैं निर्देश। पुरुषों को शर्ट ट्राउजर के साथ में वहां पर जाना होगा और महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे जहां पर ड्रेस कोड को लेकर अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर एनएचएम कार्यालय में जींस व टी शर्ट पहनने पर इस दौरान प्रतिबंध लगा है अधिकारियों कर्मचारियों को। अब इसके लेकर निदेशक पिंकी जोबल ने निर्देश जारी किए हैं, ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही पुरुषों को शर्ट और ट्राउजर, महिलाओं को साड़ी सलवार सूट पहनने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो बड़ी खबर जहां पर एनएचएम कार्यालय में जींस टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे जहां पर आपको बता देगी, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, एनएचएम में अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? सिद्धार्थ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर से सिद्धार्थ से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जींस टी शर्ट पहनने पर इस दौरान निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एनएचएम मिशन निदेशक पिंकी ने ये निर्देश जारी किए हैं, ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से मेरे सहयोगी सिद्धार्थ मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, एनएचएम कार्यालय में जींस और टी शर्ट पहनने पर प्रतिबंध लगा, इसको लेकर क्या खास अपडेट? देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारी और कर्मचारीगण अनौपचारिक परिधान पहनकर कार्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। एनएचएम मिशन के निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल के कार्यालय में कैजुअल ड्रेस का पहनकर आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को एनएचएम का ड्रेस कोड पहनकर आने की हिदायत दी है। मिशन की तरफ से जो लेटर जारी किया गया उसमें कहा गया है कि पदाधिकारी और कर्मचारी का फॉर्मल ड्रेस पहन कर आए, जिसमें पुरुष पदाधिकारी और कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस और ट्राउजर पहने, वही महिलाएं साड़ी या कमीज पहन दुपट्टा पहन कर आए, क्योंकि कार्यालय पदाधिकारी और कर्मचारी गण अनौपचारिक परिधान पहनकर कार्यालय में प्रवेश करें। देखिए, कहीं ना कहीं उसका आदेश जारी कर दिया गया, उसमें कहा गया है कि गरिमा के अभी तक जो आप ड्रेस पहन के आ रहे थे वो गरिमा के अनुकूल नहीं था, तो कहीं ना कहीं अब जो
तो अब इस सख्ती से पालन कराया जाएगा और इस आदेश को मिलने के बाद कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कहीं दबी जवान इसका विरोध भी कर रहे हैं जी। बिल्कुल, क्योंकि सिद्धार्थ अब लगता है कि सभी जगह पर धीरे धीरे जो ड्रेस कोड है वो लागू होने लगा, यानी कि प्रोफेशनल तरीके से अब आपको पहुंचना होगा, अनप्रोफेशनल तरीके से किसी की भी एंट्री वहां पर प्रतिबंधित रहेगी। देखिए बिल्कुल, ये एक विभाग में इसकी शुरुआत कर दी गई और ये कहीं ना कहीं अब ड्रेस कोड लगभग लागू कर दिया गया और इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है और कई थे जहाँ पर सख्ती से पालन नहीं कराया जाता, लेकिन इस बार इसको जो हिदायत दी गई वो सख्त हिदायत दी गई है और सीधे ये कहा गया कि जो लोग नहीं करते हैं इसका, तो ये माना जाएगा कि अनुशासनहीनता के तहत आएगा और ये अनुशासन के खिलाफ माना जाएगा। तो सरकार जिस तरह से सख्ती कर रही है और जिस तरह से निदेशक पिंकी जोयल ने सख्त आदेश जारी किए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात साफ लग रहा है कि इस आदेश का पालन होगा और फॉर्मल ड्रेस पहनकर आपको आना होगा। तो कहीं ना कहीं अब सीधे मैसेज ये पास आउट किया गया जो लोग इस पालन नहीं करते हैं वो ये माना जाएगा कि वो अनुशासन के तहत ऑफिस नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, तो अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर ललितपुर में कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। मामला नेहरू नगर मोहल्ले का है, जहां पर कुछ अजारक तत्वों ने शांति भय माहौल को बिगाड़ने का इस दौरान प्रयास किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 30 से 40 लोग हाथों में लाठी लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए मोहल्ले में आए और पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। उस समय पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और इसी बीच कुछ दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और आपस में लड़ाई झगड़ा की है। पूरा जो विवाद हुआ है वो सीसीटीवी में कैद है, हम सीसीटीवी से पहचान करके हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ मजद फसाद भी बनाने का प्रयास किया? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तथ्य प्रकाश नहीं किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत ठाकुर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, दो पक्षों के बीच की लड़ाई बताई जा रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक? जी मैम, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ तत्वों के कारण 30 से 40 लोग ललितपुर नेहरू नगर मोहल्ला निवासी में जय जय श्री राम के नारे लगाते हुए पहुंचे यहाँ पर और पथराव करने लगे और इसको मोहल्ला वासियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एडिशन एसपी और सदस्यों और एसडीएम और एसडीएम पहुंच कर यहाँ को शांति माहौल बनाया गया और जो 30 से 40 लोग थे वो पुलिस को देखकर भाग गए और इसमें सीओ साहब और एडिशन एसपी सीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर उन पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अजीत, क्या अभी तक कुछ ऐसा पता चल पाया है किस वजह से ये दो पक्ष आमने सामने भिड़े हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है? जी मैं आपको बता दूं कि दोनों पक्ष में एक लड़ाई हुई थी दोनों पक्षों और फिर इसको लेके जय श्री राम के नारे लगाते रहे हो। जी मैम, दोनों पक्षों की तरफ से जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं? एक पक्ष की तरफ से लगाए गए हैं। हाँ, तो दूसरा पक्ष किसकी तरफ से बताया जा रहा है, कुछ अंदाजा? ये अंदाजा तो नहीं बताया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर मथुरा के गोवर्धन इलाके में एक साधु वेशधारी ने 5 साल की मासूम की जमीन पर पटक पटक कर हत्या कर दी। घटना से गुस्से आए ग्रामीणों ने आरोपी साधु वेशधारी को मौके पर ही पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी साधु वेशधारी को ग्रामीणों के चुंगल से छुड़ाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। वहीं ग्रामीणों ने मासूम के शव को राधाकुंड परिक्रमा मार्ग पर रखकर जमकर हंगामा किया। एसपी ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित लोगों ने एसपी देहात का घेराव कर प्रशासन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए और शव लेने पहुंची एम्बुलेंस पर भी पथराव किया है। पथराव से एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग का इस दौरान शव को कब्जे में ले लिया है। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर साधु के एक वेशधारी ने 5 साल की मासूम बच्ची को जमीन पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर दी। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और साथ ही उसे इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि नाराज ग्रामीणों ने इस दौरान
जमकर पत्थरबाजी भी की है और जमकर हंगामा भी किया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित भार्गव मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, शादू के बेस में ये जो आरोपी था, इसने 5 साल की मासूम बच्ची की पटक पटक कर हत्या कर दी गई है, आखिरकार वजह क्या रही है इसके पीछे की और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है आरोपी के खिलाफ? जी बिल्कुल पंकज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साधु वेश में ये गोवर्धन में पिछले कई वर्षों से रह रहा था और बताया ही जा रहा है कि ये थोड़ा मानसिक जो है वो बीमार है, जिसकी वजह से कल जब गांव वालों ने इसको मतलब इससे किसी आदमी की बातचीत हुई थी, उसी में ये थोड़ा उग्र हो गया और उग्र होने के बाद इसने एक बच्चे को कंधे पे उठाकर और जमीन में 2-3 बार पटक पटक कर मारा है, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। और जब इस घटना को ग्रामीणों ने देखा तो उन्होंने इसको वहां पकड़ा और काफी इसकी पिटाई की और उसके बाद पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच गई और उन्होंने इस ग्रामीण को अपने कब्जे में लेकर और जो है जिला अस्पताल भेज दिया। जी, क्या इससे पहले भी इस आरोपी की तरफ से कुछ ऐसी हरकतें की गई थी? क्या इसको लेकर प्रशासन में कोई शिकायत दर्ज की गई थी आम लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि ग्रामीणों का कहना यह है कि यहाँ इस तरीके की घटनाएं कई बार होती रहती हैं। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर बांग्लादेशी रोहिल्ला जो मुसलमान है उनकी काफी बड़ी तादाद में वो वृंदावन में रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपको जानकारी होगी कि यहाँ से करीब 200 करीब रोहिल्ला मुसलमानों को पकड़ के और उनके देश में छोड़ा गया था। वही घटना जो है यहाँ दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन कई बार जो है वो अभियान चलाता रहता है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का आरोप यह है कि पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसकी वजह से इन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये यहाँ साधु का वेश रखकर इन तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि अमित, अगर लगातार ऐसे मामलों को लेकर शिकायत दर्ज की गई है तो पुलिस को भी समय पर रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी, ताकि ये वाला जो हादसा हुआ, ये जो घटना हुई है, इस बच्चे की जो हत्या की गई है, शादी नहीं हो पाती। जी बिल्कुल, अगर पुलिस प्रशासन समय रहते हुए इन लोगों की जांच और इन लोगों के जो आधार कार्ड वगैरह है उनकी जांच अगर समय पर होती रहे तो ये लोग यहाँ आए नहीं और जो घटनाएं चोरी या और तरह की घटनाएं अंजाम देते हैं वो ये यहाँ ना दे पाए, ये बिल्कुल प्रशासन की कमी है, जिसके लिए SP देहात ने भी कई बार कहा है कि हम इसकी जो प्रक्रिया है वो करते रहते हैं, जांच अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन ये जांच अभियान बहुत लेट चलता है जब कोई घटना होती है, जब ये जांच अभियान चलता है उससे पहले कोई जांच अभियान नहीं चलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर इन दिनों त्रासदी से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। बीते दिनों प्रदेश में हुई बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे में वो भारी ये जो बारिश है और बाढ़ और साथ ही भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे। नड्डा प्रभावित परिवारों से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। तो जगत प्रकाश नड्डा का सिरमौर, शिमला और साथ ही बिलासपुर जाने का कार्यक्रम है। यहां वो आपदा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद JP नड्डा तकरीबन 11 बजे शिमला पहुंचेंगे। यहां वे समर हिल की शिव बाबड़ी के घटनास्थल पर का भी इस दौरान दौरा करेंगे और साथ ही इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि इस जगह अब तक 16 शव बरामद किए जा चुके हैं। खबरों में आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में BJP ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव के काउंटडाउन के साथ ही प्रदेश की सियासत भी गर्मा रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से भोपाल आ रहे हैं। शाह शिवराज सरकार के 18.5 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। इस रिपोर्ट कार्ड को गरीब कल्याण महाअभियान नाम दिया गया है। इसके बाद शहर ग्वालियर जाएंगे और BJP प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार दोपहर 12 बजे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से 12:25 पर वो कुशाभाऊ ठाकरे सभागार है उसमें भी प्रदेश सरकार के गरीब कल्याण महाअभियान 2003 से 2023 के रिपोर्ट कार्ड को लॉन्च करेंगे।
खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। शनिवार को वो लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले। इस दौरान सुपरस्टार ने पैर छूकर योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लिया और साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज रजनीकांत अयोध्या जाएंगे और रामलला के भी दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे और मिलने का भी उनका कार्यक्रम है। आज 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता को पेंगोंग लेक के इस दौरान वहां पर श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए लेक के पास पूरी तैयारी की गई है। पूर्व पीएम की तस्वीरों के साथ यहां पोस्टर भी लगाए गए हैं। इसी बीच राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर लिखा, पापा आपकी आंखों में भारत के लिए जो सपने थे इन अनमोल यादों से झलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता रहेगा। हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं, भारत माँ की आवाज सुन रहा हूं। राजीव गांधी को याद करने के लिए यहां बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की भी उम्मीद है। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर लद्दाख में शनिवार शाम सेना का एक वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में 8 जवानों की मौत हो गई है जबकि 2 घायल हुए हैं। हादसा क्यारी शहर से 7 किलोमीटर दूर कारू गैरिसन के पास हुआ है। जानकारी मिलते ही सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सैन्य के अधिकारियों ने बताया है कि काफिले में 5 वाहन थे। जो वाहन खाई में गिरा है उसमें 10 सैनिक सवार थे। हादसे में जान गंवाने वालों में एक जूनियर कमीशन अधिकारी सहित 8 जवान शामिल हैं। चंद्रयान 3 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। इस नजारे को लोग लाइव देख सकेंगे। दरअसल दिल्ली के नेहरू तारामंडल में चांद पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के नजारे को इसरो की मदद से स्काई थिएटर में लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसे दर्शक 2D नजारे से भी देख सकेंगे। साथ ही बता दें कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्क्रीन भी लगाए गए हैं। इसके अलावा नेहरू तारामंडल में वेबकास्ट की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, नेहरू तारामंडल में आने वाले दर्शकों के लिए चंद्रयान 3 का एक खास एग्जीबिशन भी लगाया गया है। इससे के साथ ये भी बताया जा रहा है कि चंद्रयान की वास्तविक बनावट को देख सकेंगे और उसके बारे में बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने काशी के महामृत्युंजय मंदिर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता की कामना के लिए हवन किया है। इस दौरान राष्ट्रीय हिंदू दल अध्यक्ष रोशन पांडे ने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। रोशन पांडे ने कहा कि सनातन धर्म लाखों वर्षों से चंद्रमा को जल तत्व का कारक ग्रह और सनातन धर्म में वर्णित नवग्रह में ही एक प्रत्यक्ष देवता माना गया है। प्राचीन वैदिक काल से ही प्रकृति और साथ ही परमात्मा के प्रतीक के रूप में जिन देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसमें सूर्य, अग्नि, वरुण, वायु और पृथ्वी, इंद्र और साथ ही चंद्रमा प्रमुख हैं। और मेरे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।